सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं आपका भाई वली खान आ चुका हूं नए ब्लॉग के साथ। इस वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो वो वीडियो मैं आपके लिए ला चुका हूं। बहुत लोगों का मेरी पुरानी वीडियोस में कमेंट आया था, जो मैंने बाइक वाली डाली थी R15 की डिलीवरी, तो उसमें मैंने बताया था कि मॉडिफिकेशन कराएंगे हम इसमें, बहुत डिसेंट मॉडिफिकेशन। तो वो मॉडिफिकेशन हो चुकी है। तो आप लोग जानते हैं हमने बाइक दिल्ली से ली थी, और जब हमने बाइक वहाँ से ली तो मैं वापस देहरादून आ गया था क्योंकि मेरे कॉलेज चल रहे थे। तो जितनी मॉडिफिकेशन नहीं है बाइक पे, वो सारी भाई साहब ने खुद कराई है। तो जो आगे की मॉडिफिकेशन है वो भाई साहब ने कराई थी करोल बाग से। तो जितनी मॉडिफिकेशन हुई है बाइक पे, बहुत डिसेंट मॉडिफिकेशन कराई है हमने उस पर। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई साहब ने क्या क्या बदलवाया उसमें, क्या क्या चेंजेस कराए हैं, और फिर मैं आपको वीडियो के एंड में मिलता हूँ। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों और घर वालों में शेयर कर देना जो बाइक पसंद करते हैं। तो चलिए अब आगे की वीडियो देखते हैं जो कि भाई साहब ने मेरे लिए शूट किया है। लेट्स गो। भाई अभी वापस लगा रहे हैं क्योंकि इनके पास तेल टाइडी है नहीं, वो वाली जो मुझे चाहिए थी। मैं तो परेशान हो गया यार आज, साला इतनी दूर से आए हैं लेकिन काम ही नहीं हो पा रहा पूरा। देखते हैं कहीं और से। ऑलराइट, फाइनली जाके एक काम करा रहे हैं अब, जो कि है ये शीशे टिंटेड करा रहे हैं, वाइजर मेरा मतलब है। यार मैट ब्लैक ही अच्छा लग रहा था, इस पर दो चार कलर लगा के देखे, ब्लैक भी देखा, रेड भी देखा। ये भाई ने कराई है, अदीब ने, इसने भी मैट ब्लैक करा दी और मैं भी मैट ब्लैक ही करा रहा हूँ, और कुछ ऐसा लुक बन गया। इनके पास गन होती है, इससे एक हीट वेव सी निकलती है, और ये फिर जाके इसको क्या बोलते हैं भैया, स्क्वीजी। अच्छा यार, ये इसके थ्रू पूरा सेट कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया काम करा भैया ने, एकदम फिनिशिंग के साथ। ये भैया हमारे एक बारी जरा हेयर स्टाइल देख लो भैया का, तो स्मार्ट ही लग रहे हैं। The next day. तो यार आज आए हैं लगवाने फाइनली टेल टाइडी, कल जाके ये वाली मिल पाई थी। वाह, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इसको लगाने में। ये देख सकते हैं आप, पूरा बाहर निकाल दिया ये वाला पार्ट, और अब दूसरे तरीके की टेल टाइडी लगेगी। बट प्रॉब्लम इज कि हम ये वाले इंडिकेटर नहीं लगा सकते इसमें वापस, तो इसके लिए मैंने दूसरे इंडिकेटर लिए थे जो कि ये है, ये उसमें लगेंगे जाके, क्योंकि इसका ये फिट नहीं आएगा। सी द डिफरेंस, सॉरी, ये तो इसमें फिट नहीं आएगा। तो कर रहे हैं भैया मेहनत, थोड़ी सी स्ट्रगल है, बट अच्छी लग रही है बाइक ऐसे नेकेड। तो भाई अब ये कुछ ऐसी दिख रही है, प्रॉपर टेल टाइडी लग गई है, बस मुझे इस पर नंबर प्लेट चढ़वानी है। और ये देखो, ये वाले स्विच सीधा जाके इसमें लग जाएंगे, तो कोई वारंटी भी कट नहीं होगी और काम का काम भी हो जाएगा अपना। बट एक प्रॉब्लम आ रही है, जो ये है इसमें हमें एक स्विच चाहिए जो कि इस तरह का दिखता है थोड़ा, ये तो हमें इसके आगे ये लगाना पड़ेगा। तो ये जो है मेन ओरिजिनल स्विच है इसका, तो ये जो लाइट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइट नंबर प्लेट पे लगती है, लेकिन इस पर सेट नहीं बैठ रही थी क्योंकि इसमें एक ही नट है, तो ये एक सिंगल नट है, जबकि इसमें दो नट है। अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे, इसमें दो नट है, तो ये सेट नहीं बैठ रही थी, तो इन्होंने जो मैंने कंपनी से ली वो हटा दी है और ये वाली लगा दी है आफ्टर मार्केट। तो इसमें जो वायरिंग जा रही है, ये वायरिंग पे ये सेट नहीं बैठ रहा है, तो हमें ऐसा प्लग चाहिए क्योंकि ये प्लग जाके इसमें लगेगा के अंदर। तो अगर ये प्लग नहीं होता है और मैं सीधा ये तार लगा देता हूँ, तो ये मेरी वारंटी ख़राब कर सकता है, तो इट्स बेटर टू बी सेफ। मैंने पूछा भैया से, वो ला रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बट ये अभी कुछ ऐसी दिख रही है पीछे से, कमाल लग रही है दोस्तों। तो
तो भी भैया इंडिकेटर लगा रहे हैं और ये देखो ये सॉकेट के अंदर ही फिट करवा रहा हूँ मैं ताकि वारंटी वॉइड ना होए। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों का। ये देखो आप काटना मत, बस कुछ भी काटा पीटी नहीं हो रही है, सब कुछ जेन्युइन काम हो रहा है बिना काटा पीटी के। ये लग गया इंडिकेटर, तो ये लग गया है स्विच और ये भैया आप टेप मार रहे हैं बस उस पर। एक सेकेंड और जलाना, एक बारी वहाँ से जलाना और स्विच ऑन कर दो, ऑन चाबी ऑन, ये चाबी ऑन और ये देखो लाइट भाई। इसमें ये फ़ायदा है इस वाले R15 में कि इसमें 1000 स्विच कंपनी फिटेड आता है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट। और ये देखें आप, तो 1000 स्विच लगाने की ज़रूरत ही नहीं, सब जेन्युइन काम। क्या लग रही है यार गाड़ी, तो सब कुछ हो गया है, सारा काम हो गया है, बट एक दिक्कत आ गई है। और दिक्कत ये है कि आप देख रहे होंगे यहाँ से ना ये पूरा खुला हुआ है पार्ट, तो जितनी भी धूल मिट्टी मड निकलेगी वो सारी अंदर घुसेगी यहाँ से और पूरा ये अंदर का एरिया पूरा डैमेज कर देगी जो कि बहुत ही गलत है। तो इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा, मैं देखता हूँ क्या करते हैं। ये रबड़ का पीस लगाते हैं यहाँ पे कि किसी तरह यहाँ सेट बिठाते हैं ऐसे करके ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आए, तो यहाँ से लॉक हो जाएगा सारा, सब बंद हो जाएगा। देखते हैं कैसे ये पूरा वापस बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि ये रबड़ का कटआउट एक लगाना है अंदर, ये पूरा खोल के यहाँ पे एक रबड़ आएगी उसके बाद सब लगेगा। यार ये पहले दिमाग में आता तो कितना आसान होता सर। चलो कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए। ये लगाया भैया ने नीचे से, तो भाई काम कुछ ऐसा कराया है कि ये लगवा दिया है रबड़ और भैया ने काम कर दिया एक नंबर और दिल खुश हो गया मेरा भैया काम से, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये देखो पूरा ये ब्लॉक हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा बंदर। ये देखो प्रॉब्लम एक हो गई, ये लगाते वक्त ना एक ये टूट गया, पर कोई नहीं उसके लिए भैया ने एक कटआउट बनाया है, अभी दिखाता हूँ। वो देख रहे हो भैया, तो इसमें ये फिट हो जाएगा वापस। और ये रही एल्फी और सारी रबर चिपका देंगे अब। अरे देखो एल्फी से चिपका दिया है और अब नीचे से पूरा ये एलपी से चिपका दिया, तो अब ये हो गया ब्लॉक और ज़रा भी गंदगी नहीं जाएगी बंद। और ये देखो ऊपर से पूरा साफ है, तो अब ये ऐसे करके लग गई है। आप देखो नीचे देखो, और ये देखो आप नीचे से, ये देखो पूरा कवर हो गया। लेकिन ये बताओ वायर कैसे जाएगी? वायर के लिए भी एक छेद करना पड़ेगा। अच्छा, तो वायर के लिए भी एक छेद करना पड़ेगा भाई। This is how it looks now. See, everything covered. सब काम फेल हो गया, एक भी जगह काटा पीटी नहीं, कहीं से कोई भी वारंटी लूज नहीं होगी, प्लस सेफ्टी की सेफ्टी। तो भाई ये फाइनली जाके ऐसा हो गया, ये देखो प्रॉपर रबर सेट हो गई अंदर। और ये देखो आप पीछे से ये लुक आ रही है, ठीक है। और ये देखो नीचे से सारा काम देने और कहीं से भी कोई कट नहीं है, तो इसके अंदर गंदगी जा ही नहीं सकती, दिख रहा होगा आपको। सो गाइस ऐसी थी हमारी कुछ बाइक की मॉडिफिकेशन, आपने देख ही लिया भाई साहब ने टेल टाइडी चेंज कराई थी और इसका पूरा नीचे का जो टेल टाइडी के नीचे होता है वो बिल्कुल खाली हो गया था, तो उसके लिए भाई साहब ने अलग से जो रबड़ का पीस है वो भी लगाया था और बाकी इंडिकेटर्स चेंज कराए थे। इंडिकेटर में मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमारा लेफ्ट वाला इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा जो उसमें प्लग थे ना वो प्लग काफ़ी छोटे लगाए थे, हमने सर्विस में चेंज भी कराए थे वो प्लग। अगर आपने सर्विस वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसमें प्लग चेंज कराए थे, लेकिन अभी से लेफ्ट वाला इंडिकेटर दोबारा से बंद हो गया है, तो अभी मैं जाऊंगा उसको ठीक कराने के लिए। और बाकी बाइक में PPF भी करानी है, देखता हूँ कुछ ना कुछ कराता हूँ टैंक को बचाने के लिए। और जो चीज़ें चेंज कराई थी आपने देख ही लिया, वाइजर चेंज कराया है, आगे के शीशे हटाए हैं और जितनी बाइक की येलो स्टिकरिंग थी वो सारी हटा दी है, बिल्कुल डिसेंट बना दिया बाइक को। तो ऐसी थी कुछ मॉडिफिकेशन, अब थोड़ी बहुत एक दो गिनी चुनी मॉडिफिकेशन और बची हैं, वो मैं कभी आगे जाके कराऊंगा। एक टायर बहुत चौड़ा वाला लगवाना है इसमें, तो वो आगे जाके कराएंगे, पहले इस टायर को यूज़ कर लेते हैं।
तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो पूरी जितनी मॉडिफाइड हुई है और जैसी नीचे खड़ी है पूरी वॉश करा के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि बाइक कैसी मॉडिफाई हुई है। इसमें देखिए आपने सिर्फ मोटिवेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोबारा से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना अभी, और अपने जितने भी दोस्त हैं ना सब में शेयर कर दो, बाइक बेहिसाब पसंद करते हैं तो उन सब में शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपको ऐसे कोई बड़े से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।